स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कोड 402 सौ दो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास यूनिट टू वेब अप्लीकेशन बेसिक का सेशन फाइव सेशन फाइव में हमें पढ़ना क्या है क्रिएटिंग एंड पब्लिसिंग वेब पेजेस जिसे ब्लॉग बोलते हैं ठीक है हम लोग इस चैप्टर में ब्लॉग के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें डिफिनेशन जानेंगे ब्लॉग होता क्या है वाट इज ब्लॉग तो अब ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज बाई नन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइनल डायरी एंड सिंपल टू यूज अब ब्लॉग इज अस्कशन स्टाइल साइट डिस्कशन स्टाइल साइट यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो लिखने के बाद आ, उस पर कुछ कमेंट्स भी आते हैं ठीक है अगर आपके ब्लॉग में कोई कमी रह गई को, या कोई बहुत ही अच्छाई है उसमें कोई अच्छी चीजें हैं ओके तो लोग उस पर कमेंट करते कमेंट एक तरह से डिस्कशन होता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स में तो यू कैन यूज़ अ ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट अनाउंसमेंट न्यूज रिव्यूज एटी ओके ब्लॉग्स आर यूजुअली यूजली यूजिंग अ वेब ब्राउजर ब्लॉग्स जो है कैसे मैनेज किए जाते हैं तो वेब ब्राउजर एंड दिस रिक्वायर्स एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन दूसरा जो है वो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन तो ब्लॉग के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है पहला वेब ब्राउजर और दूसरा एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन यू कैन ऑल्सो यूज ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट कंटेंट फर्स्ट एंड लेटर पब्लिश द कंटेंट विन एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन इज अवेलेबल एक और हमारे लिए सुविधा होती है ब्लॉग के लिए कि आप ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर को यूज करके ठीक है ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो कंटेंट उसका क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जब आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो तो आप उसे पब्लिस कर सकते हो तो इसका मतलब निचोड़ ये है कि ब्लॉग जब भी होगा जब भी होगा तो ऑनलाइन ही होता है यानी उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है ओके जब आप उसे पब्लिश करोगे ठीक है जब आप उसे पब्लिश करेंगे तो ये ब्लॉग एक्चुअल में ब्लॉग कहा जाएगा ठीक है ऐसे तो लिखने के लिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं ना डायरी सॉन्ग्स स्टोरी कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन जब वो एक ऑनलाइन एक साइट पे ठीक है हम लोग उसे लिख के पोस्ट करते हैं तो हम लोग उसे ब्लॉग बोलते हैं ओके इसके बाद हमें पढ़ना है ये देखिए ये जो चीज़ें हैं वन टू थ्री फोर और फाइव ये पाँचों चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे दिया गया है ये पांच जो हैं देर आर हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स दैट ऑफर्स ब्लॉग सर्विस फॉर फ्री सम ऑफ द पॉपुलर ब्लॉग्स इंक्लूड इसमें से कई ऐसे सैकड़ों वेबसाइट्स हैं जो हमें फ्री में ब्लॉग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं लेकिन इसमें से पांच को हमने लिखा है आप इसे थोड़ा अच्छे से देख लेंगे चूंकि इस साल टू के एग्जाम में क्वेश्चन आया था चार ब्लॉग के ऐसे वेबसाइट लिखने थे जो फ्री ब्लॉग सर्विस प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो आइए पहला जो है डब्ल्यू 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 डॉट कॉम ओके दूसरा जो है डब्ल्यू 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 ब्लॉगर डॉट कॉम थर्ड जो है डब्ल्यू 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 ब्लॉग डॉट कॉम चौथा जो है डब्ल्यू 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 डॉट कॉम एंड फिफ्थ आर डब्ल्यू 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 ब्लॉग सम डॉट कॉम ये हमने आपको बताया ब्लॉग क्या होता है ब्लॉग में हम लोग क्या क्या करते हैं ओके और पांच ऐसे वेबसाइट्स का मैंने नाम भी आपको बता दिया ऐसे आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो फ्री ब्लॉग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं ठीक है नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है एटिंग ए ब्लॉग अकाउंट हम लोग ब्लॉग अकाउंट कैसे तैयार करेंगे कैसे बनाएंगे तो यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट द ब्लॉग अकाउंट इन ए प्रेस हम लोग यहाँ पे जो कि वर्ड प्रेस काफ़ी पॉपुलर है और इजी भी है तो बुक के अकॉर्डिंग हमने वर्ड प्रेस को यहाँ पे इंक्लूड किया है और वर्ड प्रेस में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग ब्लॉग का अकाउंट क्रिएट करते हैं वर्ड प्रेस है क्या तो वर्ड प्रेस इज़ फ्री वेब सर्विस दैट यू कैन यूज़ टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट्स और ब्लॉग ओके समझ में आ गया होगा वर्ड प्रेस जो है वो फ्री वेब सर्विस प्रोवाइड करता है हम लोगों को वेबसाइट के थ्रू ब्लॉग बनाने के लिए ओके okay? वर्ड प्रेस है सपोर्ट फॉर थीम्स वर्ड प्रेस जो है वो उसमें थीम्स भी मिलता है सपोर्ट के लिए थीम का काम क्या होता है फॉर कस्टमाइजिंग द डिज़ाइन ऑफ अ ब्लॉग ब्लॉग के डिज़ाइन को कस्टमाइज करने के लिए थोड़ा लुक चेंज करने के लिए देखने में अट्रैक्टिव लगे ओके okay? तो थीम्स कैन मेक द ब्लॉग और द वेब पेज लुक अट्रैक्टिव ओके थीम का काम क्या होता है ब्लॉग और वेब पेज को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए थीम्स का हम लोग यूज करते हैं ओके okay? कैसे हम लो, लोग ब्लॉग का अकाउंट बनाएंगे वर्डप्रेस में अब देखते हैं हम लोग बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ ब्लॉग अ ब्लॉग अकाउंट इज रिक्वायर्ड यानी कि ब्लॉग का अकाउंट एक चाहिए तभी तो हम लो लोग ब्लॉग उस पर ब्लॉग बनाएंगे तो टू क्रिएट वन यू नीड अ वेब ब्राउजर एंड एन इंटरनेट कनेक्शन पहले ही मैंने बताया था कि एक वेब ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन ये दोनों हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों हमें चाहिए वेब ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट का कनेक्शन होगा तभी हम लोग वेब ओपन कर सकते हैं नेट ओपन कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाके हम लो लोग ब्लॉग का अकाउंट बना सकते हैं ठीक है अब देखिए ये दोनों अगर आपके पास है तो हम लोगों को करना क्या ओपन द वेब ब्राउजर पहले हम लोगों को क्या करना है वेब ब्राउजर को ओपन करना है ऑन द एड्रेस बार टाइप आपको एड्रेस बारे में ये एड्रेस टाइप करना है ओके अगर ये एड्रेस आप नोट नहीं कर पाओगे अगर आपको डिफिकल्ट फील होती है तो आपको करना क्या है वर्ड प्रेस साइन अप गूगल पे सर्च करना है सर्च इंजन में जाके और उसके बाद फिर वर्ड का जो साइट आएगा ठीक है उस पर आपको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे जाना है ओके okay? इसके बाद यू शुड नाउ गेट टू अ पेज विथ अ फील्ड ब्लॉग एड्रेस आपको एक पेज मिलेगा जिसमें कुछ फील्ड्स होंगे क्या क्या फील्ड होंगे ब्लॉग एड्रेस होंगे यूजर नेम होंगे पासवर्ड होंगे ईमेल एड्रेस एंड लैंग्वेज ये सारे आपको मिलेंगे अब ये सारे फील्ड को फिल करने होंगे मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ हिंट के लिए बता दो कि ब्लॉग एड्रेस क्या होता है यूज़र नेम क्या होता है पासवर्ड कैसे हम लोग डालेंगे ई एड्रेस क्या है और लैंग्वेज क्या है ठीक है सो जस्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द ब्लॉग एड्रेस द फर्स्ट ब्लॉग एड्रेस क्या है ओके यू मस्ट प्रोवाइड अ यूनिक एड्रेस टू योर वर्ड प्रेस ब्लॉग दिस इज द एड्रेस विच अदर्स वील यूज टू व्यू योर ब्लॉग ब्लॉग एक ब्लॉग का एक एड्रेस हम लोग को देना होता है हाँ इसमें हम लोग को थोड़ा ध्यान ये देनी होती है कि जो एड्रेस हम डाल रहे हैं वो किसी और का तो नहीं है ओके okay? तो अगर किसी और का होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर वो किसी और का नहीं है तो एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद अब इसका यूज क्या होता है जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉग बनाया मुझे आपके ब्लॉग को सर्च करना है तो ये ब्लॉग एड्रेस जो आप प्रोवाइड करोगे जो बनाओगे वो ब्लॉग एड्रेस से हम आसानी से आपको सर्च कर सकते हैं आपके ब्लॉग को देख सकते हैं रीड कर सकते हैं ठीक है सेकेंड इज यूजर नेम सेकेंड इज यूजर नेम यूजर नेम क्या होता है यू शुड चूज यूजर नेम फॉर मैनेजिंग दिस ब्लॉग आपको एक यूज़र नेम चाहिए यूज़र नेम मैनेज करने के लिए ब्लॉग को ताकि और कोई आपका ब्लॉग जो है ओपन ना कर सके और उसके बाद चाहिए पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओके इसके बिना तो आप यूज़र एंड पासवर्ड नहीं रहेगा तो आपके ब्लॉग को कोई भी ओपन करके उस पर कुछ भी लिख सकता है ठीक है तो बचने के लिए सिक्योरिंग योर वर्ड प्लेस ब्लॉग अकाउंट आपके वर्ड प्लेस ब्लाग अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ठीक है आपको एक स्ट्रॉग पासवर्ड की आवश्यकता होती है a combination of upper case and lower case letters with some digits देखिए अब पासवर्ड कैसे हम लोग बनाएंगे पासवर्ड के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको कि पासवर्ड के लिए आपको अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर इसके बाद कुछ सिंबल और कुछ नंबर ठीक है ये सारे आपको मिला के एक साथ पासवर्ड बनाने पड़ेंगे अगर ऐसा पासवर्ड आप बनाते हैं तो आपके पासवर्ड को कोई हैक नहीं कर पाए सॉरी आपके ब्लॉग आ, कि को कोई हैक नहीं कर पाएगा हैक नहीं करने का मतलब अगर आप इजी पासवर्ड डालते हो ठीक है हम ईजी पासवर्ड डालते हैं तो हो सकता है कि आ, कोई आपका पासवर्ड जान जाए या या अक्सर हम लोग क्या करते हैं डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं या कुछ 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 कुछ, कुछ चीज़ें ऐसे अपना नाम गाँव शहर जो भी होता है वो डाल देते हैं है ना तो ये सबसे क्या होता है कि हम लोग का आ, आसानी से हमारे पासवर्ड को, को कोई तोड़ सकता है स्ट्रॉक पासवर्ड उसे नहीं बोलते एक पासवर्ड बोलते ठीक है तो स्ट्रॉक पासवर्ड के लिए आपको ध्यान देना होगा अपर केस लोअर केस नंबर और सिंबल ये चारों को मिला के आपको इसका कम्बिनेशन बना के पासवर्ड बनाना होगा ठीक है एक बार जब आप पासवर्ड डालेंगे तो दोबारा आपको फिर से पूछेगा रीटाइप पासवर्ड यू नीड टू एंटर द पासवर्ड ट्विस्ट ओके इसके बाद हम लोग आते हैं ई मेल एड्रेस के बारे में ई मेल एड्रेस यू मस्ट प्रोवाइड योर ई मेल एड्रेस यंड एक्टिवेशन लिंक विल बी सेंड टू यू फ्रॉम वर्ड आफ्टर यू क्लिक इट ब्लॉग ई मेल एड्रेस का काम क्या होता है ई मेल एड्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर ई मेल एड्रेस नहीं होगा तो आप एक्टिवेट नहीं कर पाओगे अपने ब्लॉग साइट को ठीक है जब आप क्रिएट ब्लॉग लास्ट जो ऑप्शन होता है क्रिएट ब्लॉग ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पे एक लिंक जाता है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप उसे एक्टिवेट करेंगे ठीक है ओके लैंग्वेज लैंग्वेज क्या होता है यू कैन चूज़ योर ऑन लैंग्वेज फॉर ब्लॉगिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन आपके ब्लॉग साइट्स पे जो होते हैं वर्ड टेस्ट पर वो कुछ लैंग्वेज दिए जाते हैं लैंग्वेज के ऑप्शन दिए जाते हैं आपको उस दिए गए लैंग्वेज में से कुछ लैंग्वेज चूज करना एक लैंग्वेज को चूज करना होता है जो लैंग्वेज आपको पसंद है जिसमें आप ब्लॉग क्रिएट करोगे ठीक है इसके बाद आपको क्रिएट क्लिक क्रिएट ब्लॉग आपको क्रिएट ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ये करने के बाद आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा लेकिन अभी ये वो एक्टिवेट नहीं हुआ आपने सिर्फ ब्लॉग बनाया है एक्टिवेट नहीं हुआ है ओके एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है डूइंग सो देखिए यू विल बी सेंड एन ई मेल फॉर एक्टिवेट एक्टिवेटिंग योर ब्लॉग अकाउंट पहले ही मैंने आपको बताया कि आपको आपके मेल पे एक एक्टिवेट एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा ठीक है जो आपके ब्लॉग अकाउंट को एक्टिव करेगा उस पर क्लिक करने के बाद अपने ब्लॉग अकाउंट को अब एक्टिव करेंगे ठीक है अब ये जब आप तक जब तक इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक वो आपका एक्टिव नहीं होगा ठीक है आप सिर्फ ब्लॉग बना के छोड़ दिए हैं ओके नेक्स्ट ओपन योर ई मेल एंड क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक वंस यू क्लिक एक्टिवेट ब्लॉग यू विल बी रिडाइटेड टू योर वर्ल्ड प्रेस ब्लॉग अकाउंट एंड यू शुड सी अर वेब पेज सिमिलर टू द वन डिस्प्लेड ब्लो देखिए हम लोग जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आप अपने वेब पेज से हट के अपने मेल से हट के आप वर्ल्ड प्रेस ब्लॉग अकाउंट पर चले जाओगे और वहाँ जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देगा देखिए ये स्क्रीन शॉट आप देखेंगे यहाँ पे ओके इस टाइप का दिखाई देगा और यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेट टू सबमिट कंटेंट दैट यू वांट अदर्स टू व्यू दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोस्टिंग कंटेंट जब एक बार आप अपने ब्लॉग को बना लेते हो तो आपको उसको उस कंटेंट को सबमिट करने की आवश्यकता होती है ताकि दूसरे लोग उस कंटेंट को उस ब्लॉग को देख सके ठीक है और ये प्रोसेस को हम लोग पोस्टिंग uh, बोलते हैं दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड पोस्टिंग कंटेंट ठीक है कंटेंट को पोस्ट करना इस प्रोसेस को बोलते हैं कंटेंट को पोस्ट करने है, ओके तो हम लोग कैसे पोस्ट करेंगे हम लोग देखेंगे इसमें टू क्रिएट अ पोस्ट क्लिक न्यू पोस्ट ओके टू क्रिएट अ पोस्ट क्लिक न्यू पोस्ट विंडो सिमिलर टू द वन डिस्प्लेट बिलो अ पेज चूंकि यहाँ पर जो दिया गया है विंडो स्क्रीन शॉट वह स्क्रीन शॉट जो है हमने जो लिया है वर्ड प्रेस से लिया ठीक है वर्ड प्रेस का ऐसा है यहाँ पे राइट अ पोस्ट लिखा हुआ है आप यहाँ देखेंगे और इसमें क्या करना है मुझे सबसे पहले टाइटल यहाँ टाइटल जो शो कर रहा है टाइटल मुझे फिल करना होता है मतलब आप जो ब्लॉग बना रहे हैं उसका टाइटल क्या रखते हैं ठीक है जैसे आप महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे टाइटल में देंगे महात्मा गांधी आप अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे स्कूल एनुअल डे फंक्शन ठीक है ये ये पहला चीज़ हो गया टाइटल उसके बाद जो है आप इसमें अगर कोई इमेज फोटोज इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इंसर्ट फोटो पे क्लिक करके ब्राउज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जहाँ आपने फोटो रखा है वहाँ से फ़ोटो को यहाँ पे ला इंसर्ट करा सकते हैं एक चीज़ और यहाँ पे जो ये ब्लैंक एरिया है ये ब्लैंक एरिया में आपको ये जो भी कंटेंट होता है उसे टाइप करना होता है अगर आप पहले से ऑफलाइन में कहीं ब्लॉग के, के मैटर को टाइप करके रखे हैं तो उसे कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करना होता है ठीक है इतना आपको काम करना होगा तो ये, ये सारे चीज़ आपके दिए गए ये करने के बाद आपको करना है पब्लिश पोस्ट ओके okay, देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है आप टाइटल यू मस्ट टाइटल फॉर योर पोस्ट ओके द रिच बॉक्स यू यू कैन टाइप कंटेंट दैट वांट यूटर्स टू रीड वंस यू हैव टाइपिंग द कंटेंट यू नीड टू पब्लिश द पोस्ट फॉर अदर्स टू सी ओके ये पब्लिश पोस्ट वाले पे क्लिक करेंगे क्लिक पब्लिश पोस्ट टू पब्लिश योर कंटेंट व्यू द पोस्ट अब आपने पब्लिश कर दिया अब आपको इस पोस्ट को देखना है तो कैसे देखेंगे टू व्यू द पोस्ट यू कैन टाइप द ब्लॉग एड्रेस इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर पहले भी मैंने आपको बताया था एड्रेस जो वे ब्लॉग एड्रेस ये जो ब्लॉग एड्रेस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूनिक होता है और आप इसे बनाएंगे पहले अकाउंट के से हमें और यहाँ पे आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना होता है ठीक है आपको वेब ब्राउजर ओपन करना है वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको ब्लॉग एड्रेस उसमें टाइप करना है और सर्च करना है ठीक है सर्च करने के बाद आपका ब्लॉग इस टाइप का अगर जिस तरह का आपने ब्लॉग बनाया वैसे दिखाई देगा एक डेमो यहाँ पे दिखाया गया है आपका डिस्प्ले यहाँ दिखाया गया है फिकर ये ए ट्वेंटी वन में लर्निंग डेमो यहाँ लिखा हुआ है जो भी आप ब्लॉग बनाएंगे वो ब्लॉग आपका यहाँ पे शो करेगा ठीक है इस ब्लॉग को शो कर ए, इस ब्लॉग को शो कर ही रहा है इसके बाद एक चीज और हम लोग यहाँ देखेंगे यू कैन ऑल्सो एड फोटो वीडियो इसी जो मैंने पहले ही आपको बता दी है ठीक है यू कैन कमेंट ऑन पोस्ट पब्लिश बाई अदर्स जो भी है अदर लोग दूसरे पर्सन जो भी चाहें आप आपके कमेंट आपके ब्लॉग पे वो कमेंट कर सकते हैं या आप भी चाहें तो आप दूसरे के ब्लॉग पे कमेंट कर सकते हैं ठीक है यू कैन कमेंट ऑन पोस्ट पब्लिश बाई अदर्स दूसरे के ब्लॉग पे आप कमेंट कर सकते हैं यूजुअली द कमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल टू वॉर्च टू एंड ऑफ द पोस्ट लुक फॉर ऑप्शन सच इज लिव कमेंट और अ रिप्लाई अ रिप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड प्रेस में ठीक है या फिर अ कमेंट चूंकि सारे सॉफ्टवेयर अलग, अलग अलग होते हैं अलग अलग ब्राउजर्स अलग, अलग अलग अपनी फैसिलिटी देते हैं ठीक है लुक वाइज थोड़ा सा चेंज होता है तो आप उससे कन्फ्यूज़ ना होंगे ओके okay, इस तरह का लेवर रिप्लाई होगा हम लोग यहाँ पे जो भी लिखना होगा यहाँ पे रिप्लाई पे लिखेंगे यहाँ लिखने के बाद आपको इंटर ईमेल आपको ईमेल आईडी आई डी यहाँ लिखना होता है नेम लिखना होता है वेबसाइट लिखना होता है इफ़ यू हैव वेबसाइट देन और इसके बाद आपको पोस्ट कमेंट पे क्लिक करना होता है ठीक है ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिगर ट्वेंटी टू में मैंने पहले ही स्क्रीन शॉट में आपको दिखा दिया हूँ अब आगे देखते हैं ये सेम प्रोसेस कैसे कैसे होता है ठीक है तो पहले है इन द इंटरव्योर कमेंट ही टेक्स्ट बॉक्स टाइप योर कमेंट अबाउट द पोस्ट यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पर इंटरव्यू कमेंट हेयर में आपको टाइप करना है इन द ई मेल रिक्वायर्ड फील्ड टाइप योर ई मेल एड्रेस यहाँ पर आपको ई मेल एड्रेस लिखना है इन द नेम रिक्वायर्ड फील्ड टाइप योर नेम आपको यहाँ पर नाम लिखना है इन द वेबसाइट फिर यू मे टाइप योर ब्लॉग एड्रेस ठीक है आप ये ऑप्शन होता है आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो अदरवाइज आप अपने ब्लॉग एड्रेस को यहाँ टाइप कर सकते हैं ठीक है वंस यू हैव टाइप द कॉन्टेंट इन कमेंट एरिया रिव्यू केयरफुली आप उसे एक अच्छे से देख लेंगे ताकि कहीं ऐसा ना कि कमेंट करने के बाद कोई गलत कमेंट कर दिया हो ठीक है हो सकता है स्पेलिंग ऐसे इस टाइपिक बहुत सी कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सी परेशानी हो जाती है बाद में देखने के बाद हमें खुद से ही शर्मिंदगी फील होती है कि हमने ये क्या कर दिया, ठीक है तो उस समय आप उससे अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके पोस्ट कमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है आपका कमेंट जो पोस्ट हो जाएगा वंस यू क्लिक द पोस्ट कमेंट यू विल सी द ब्लॉग अलॉन्ग विथ द कमेंट डिस्प्ले बिलो ये जो ये नीचे जैसे आपने कमेंट करने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपने क्या कमेंट किया है कब किया है यहाँ पे डेट ठीक है टाइम ओके और कमेंट किया है नाइस आई एम न्यू यूट्यूब ब्लॉग ये जो भी चीज़ें आप लिखो लिखेंगे यहाँ पे आपको इस टाइप का दिखाई देगा उस ब्लॉग के नीचे ठीक है या अगर आपके ऊपर भी किसी ने कमेंट किया है तो वो भी आपको उस ब्लॉग के नीचे दिखाई देगा ओके